गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं पौने नौ बज गए। मैंने यहाँ का सब कुछ नहाने का रेडी करके रखा है और टॉवल भी उसका रेडी है। तो अभी बस मैं उसको बुलाती हूँ, देखते कहाँ से आता है, मुझे ही नहीं पता कहाँ है। रियान कहाँ है बच्चू? रियान निको यार चलो 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 निको आजा चलो इधर आजा मेरी बच्ची। चलो अभी बाथरूम में चले जा, तो बाथरूम में चले जा। नहीं मैं मम्मा के पास आऊँगा, मम्मा लेके जाएगी। चलो नहीं नहीं हो गई है, अभी जे जे करो, ये हाय करो बद्दा ने, हाय हाय। अरे दादी को देखो, दादी तो अभी तक होते भी नहीं है। दादी ने कहा दादी। तो ये जो लड़का है ना, ये मेरे को बोलता है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बोलूंगा कि निधि मेरे को कितना परेशान करती है। बच्चों मैं परेशान करती हूँ? जे जे बस इसको सिर्फ जे जे ही आता है हर बार। मुझे ना वो वॉच जो आई है ना, वो वाली वॉच, उसका अनबॉक्सिंग करना है। और ये लड़का देखो इधर मेरे को ट्राइपॉड में एडजस्ट करने ही नहीं दे रहा है, फोन को बस खींचते रह रहा है कब से। बच्चा नॉई कि तू मुझे कौन है चुपन रियान। बस रियान नो ली बॉय फोन जो जी को क्या कर रहा है बच्चा। देख ले एक बार, सबको देख ले, हाय बोल सबको, हाय जे जे कल, जे जे कल, पहला जे जे कल, पहला जे जे कल, बद्दा ने बद्दा ने जे जे कल। मिनी आवे छे, मिनी आवे। तो एट लास्ट रियान सो गया है, बहुत ज़्यादा नींद में आ गया था इसलिए परेशान कर रहा था। मैंने उसको चेंज करके सुला दिया है, तो अब जाके अपना अधूरा काम कंप्लीट करते हैं। ये वाला तो एक बॉक्स के अंदर से दूसरा बॉक्स निकला है, अच्छी पैकिंग की है, बहुत मेहनत है। पर ये खोलते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड थी वैसी वॉच आई है। बड़ी बड़ी है, हॉल बड़ा है ना हम लोग का, तो इसलिए बड़ी हॉल, बड़ी वाली वॉल क्लॉक मंगाई थी। इसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर मतलब दो फीट की वॉच है। ये देखो अभी इसके, ये शायद इसके कांटे अलग से लगाने को आते हैं, यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये इसके मिनट्स और सेकंड्स के काटे हैं, काटे छोटे नहीं है। तो अभी इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, ये काटे लगाने हैं भाई। और इसमें से बोला है कि इसको ऐसे पैरेलल रखना है एक दूसरे के साथ, ये नहीं करना है वरना नहीं चलेगा। तो ये देखो ये एकदम पैरेलल सेट हो गया है, यहाँ से देखो ये और ये, यहाँ से देखोगे तो एक दूसरे से टकरा रहे पर यहाँ से पैरेलल है, मतलब मेरा काम बराबर हुआ है। यो तो अब इसका बस पीछे सेल डालना है और फिर देखना है कि चल रहा है कि नहीं। और इधर होल देखो कितना छोटू सा दिया है, इसमें दिख भी नहीं रहा है ये वाला। और पूरी वॉच मेटल की है, अभी देखते हैं वहाँ लगाने वाले हम लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर।
तो वॉच चालू हो गया है और देखो हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। विशाल थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, थोड़ा राइट राइट, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये वॉच लगाने वाले हैं। कितना मस्त लग रहा है देखो, एकदम प्रॉपर साइज के सब, जैसा साइज चाहिए था वैसे एकदम सेट हो गया। थोड़ी नीचे जो इसे ना, थोड़ी नीचे नीचे, थोड़ी नीचे करो जी। नहीं नहीं हेट जिसको काटा ही जाना है वो इधर, जिसको आगे पीछे काटा ही जाना है, जिसको अपना रियान भी कर सकता है फिर वो। तो यहाँ पे मतलब इन शॉर्ट हम लोग ये दीवार पे लगाने वाले हैं, समझ जाओ। जब लग जाएगा ना वो स्क्रू डालना बाकी है, स्क्रू डालेंगे तब दिखाती हूँ वापस। तो अभी जस्ट मेरा व्लॉग एडिट करके हुआ है और रियान आज 9:30 बजे से सो गया है। मतलब वो अभी जस्ट अभी उठने वाला है, 3 घंटा हो गया, 12:30 बज गए। तो अभी उठेगा दूध पीने के लिए। मैंने यहाँ पे उसका सब सेटअप भी रेडी रखा हुआ है ताकि वो उठे और मैं फटाफट उसको दूध पिलाऊँ और वो सो जाए। और वो वॉच हम लोग जब वॉल पे लगा देंगे तब मैं वापस हम लोग को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। आजकल ऐसे वो ओपन वॉचेस का फैशन ट्रेंड निकला है। मतलब कैसे पहले वॉचेस के आगे कांच रहता था, अभी ये ओपन वॉचेस है। मेरे ये जो रूम में ये वाली वॉच है वो भी ऐसे ओपन वॉच ही है। तो ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए ना। तो फिलहाल के लिए ब्लॉग एंड करते हैं। तो पार्टी तुमने आ वीडियो गमे हो तो लाइक बटन दबा भी नहीं, भूको करी नाको और सब्सक्राइब बटन दबा भी नहीं, छुंदो करी नाको। और आटलो ज गमे हो तो प्लीज़ शेयर कर दो यार। बाय।